नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और आज हो जाए तैयार क्योंकि अब की बारी है मेरी यार, किया सेल्टोस एसटी के मॉडल पेट्रोल। जी हाँ, किया की ये सेल्टोस गाड़ी है, एसटी के मॉडल, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, लेकिन एक फीचर जो कंपनी ने कर दिया है मिस, क्रूज कंट्रोल। जी हाँ, आज हम किया सेल्टोस की एसटी के मॉडल के अंदर जो पेट्रोल वर्जन है उसके अंदर क्रूज कंट्रोल लगाने जा रहे हैं। और कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि ये काम नहीं करता है, सिर्फ शो पीस के लिए या डमी के लिए होता है, तो आज मैं इसको चला के इसकी फुल्ली वर्किंग आपको दिखाने वाला हूँ कि ये पूरी तरह से काम करता है। और ये किया सेल्टोस का एसटी के मॉडल है, टॉप मॉडल में यहाँ पे क्रोम आता है, आप देख रहे हैं इसमें क्रोम नहीं है, फ्रंट ग्रिल में भी इसमें क्रोम नहीं आता, और ये जो हैंडल वगैरह ये चिपकाए गए हैं इसके ऊपर, और पूरी तरह से हम काम कर रहे हैं इसके अंदर, लगा रहे हैं क्रूज कंट्रोल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यकीन मानना मेरे भाई, लगाने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आधे से पौने घंटे का टाइम, मतलब 30 से 45 मिनट का समय लगता है इसे लगाने में, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। जितने भी कस्टमर्स ने लगवाया है सब ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं, तो आप भी आकर किया कि सेल्टोस के अंदर क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल करा सकते हैं। हमारे पास भरपूर मात्रा में क्रूज कंट्रोल है, अगर आप सिर्फ मुझसे क्रूज कंट्रोल लगाने भी आएंगे तो भी मैं आपको क्रूज कंट्रोल लगा के देने वाला हूँ। और जी हाँ, सिर्फ 3,500 रुपये में 3.5 लाख का फीचर दे रहा हूँ भाई, 3,500 रुपये में लगा कर फिट करके देते हैं क्रूज कंट्रोल। किया सेल्टोस के लिए हम कूरियर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी प्रोग्रामिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो आप आ जाइए और लगवाएं हमसे क्रूज कंट्रोल किया की सेल्टोस के अंदर। ये हमारी कार के अंदर क्रूज कंट्रोल की इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है, आप देख रहे हैं पहले ये जो आपका प्रोडक्ट लग के आया था कंपनी से, ये स्विच लग के आया था जिस पे पीछे किया और हुंडई की बैजिंग है, और इसकी जगह हम रिप्लेस करके ये प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसमें क्रूज कंट्रोल है, देख रहे हैं आप, और इस पे भी सेम किया की बैजिंग है, दोनों चीज़ें साथ रख के दिखाता हूँ आपको मैं, देख रहे हैं ये प्रोडक्ट जो पहले लग के आया और ये प्रोडक्ट जो अभी, सेम आपको बैजिंग मिलती है, जिससे आपको आश्वासन मिलता है कि ये बिल्कुल एकदम किया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। पलट के दिखाऊं कि ये किया का 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है और पूरी तरह से काम करता है, ये आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे इसके अंदर हम, देख रहे हैं, और ये आपको फिटिंग की जा रही है इसके अंदर, देख रहे हैं एकदम एग्जैक्ट तरीके से क्रूज कंट्रोल की फिटिंग एकदम प्रॉपर आई, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी।
ये हम निकल गए हैं आप किया सेल्टोस की क्रूज कंट्रोल की टेस्ट ड्राइव पे, और मैं चलाकर पूरा परफेक्टली दिखाऊंगा आपको कि ये काम करता है, जब शो पीस नहीं है पूरी तरीके से, जो जो फीचर टॉप मॉडल में आते हैं सारे फीचर इसमें काम करेंगे, स्पीड बढ़ेगी भी स्टेयरिंग से, स्पीड कम भी होगी, और ब्रेक और क्लच दबाते ही वो डिसेबल भी होगा पूरी तरह से। आपको ये वर्किंग इसकी हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना भाई, ये तो बनता है यार। ये देख रहे हैं स्टेयरिंग में क्रूज लिखा हुआ आ गया, देख लो भाई स्टेयरिंग में क्रूज लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो इसके लिए हमें खाली रोड चाहिए होगी थोड़ी, जहाँ पे हम इसको टेस्ट कर पाए। जैसे ही स्पीड 30 से ऊपर की हमने ये स्टार्ट किया, और ये मीटर में लिखा हुआ आ गया, देखेंगे आप पूरी तरह से क्रूज लिखा हुआ आ रहा है, और स्पीड बढ़ भी रही है। सरदार जी बढ़ाइए घटाइए स्टेयरिंग से, ये स्पीड बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, देख रहे हैं स्टेयरिंग से ही एक एक करके। और ये ब्रेक लगाते ही ये क्रूज डिसेबल भी हो गया है। अब ये 30 की स्पीड से ऊपर दोबारा जाके सरदार जी ने 36 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया, देख रहे हैं क्रूज के साथ 35 लिखा हुआ आ गया, और ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ा भी रहे हैं। बढ़ाइए, आपको मीटर में स्पीड बढ़ती हुई दिख जाएगी 37 38, और ये फिर ब्रेक लगाई और ये दोबारा से डिसेबल हो गया है, देख रहे हैं क्रूज दोबारा से डिसेबल हो गया। क्लच या ब्रेक को लगाते ही वो चीज़ आपकी डिसेबल हो जाती है और पूरी तरह से इनएक्टिवेट हो जाती है। ये हमारी क्रूज कंट्रोल की टेस्ट ड्राइव पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। क्रूज स्टेयरिंग में लिख के आया, सरदार जी ने प्रॉपर तरीके से इसको टेस्ट किया स्पीड में चलाकर। और सरदार जी नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम हरप्रीत है। हरप्रीत जी मुझे ये बताइए कि आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है? एच टी के पेट्रोल। हाँ जी। ईयर कौन सा है? ईयर ये इसी साल की है, 2021 की एच टी की है और पेट्रोल वर्जन। और इसमें हमने सक्सेसफुली क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल किया, जो सरदार जी ने पूरी तरह टेस्ट कर लिया, और वीर जी हरप्रीत जी ऐप पूरी तरह वर्किंग कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल वर्क पूरी का स्टीयरिंग, तो स्पीड बढ़ भी रही है काट भी रही है, कम भी हो रही है बढ़ भी रही है, और क्लच और ब्रेक पे वो डिसेबल भी हो रहा है। हाँ जी। और पूरा मीटर में क्रूज लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब सबसे जरूरी बात कस्टमर को ये बता दीजिए कि हमने इसे लगाने में कितनी देर लगाई है? मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगा। जस्ट 30 मिनट। जी हाँ, 30 मिनट्स के अंदर हमने क्रूज कंट्रोल सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया, जो पूरी तरह से वर्किंग है। और मैंने आपको टेस्ट ड्राइव दे के भी दिखा दिया, दोबारा दिखा दूँ, मीटर में क्रूज लिखा हुआ आ रहा है भाई, ये देखो क्रूज लिखा हुआ आ रहा है। और ये एच टी के मॉडल है, इसमें गेयर नॉब जो वो सिंपल वाली लगी हुई है, और गाड़ी में आप देख रहे हो पूरे पावर विंडो वगैरह सब देख रहे हो, तो ये चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट है, कंपेटेबल। और मैं दिखाया किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह जाता है। अगर आप भी अपनी किया सेल्टोस के अंदर क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल करना चाहते हैं, जी हाँ क्रूज कंट्रोल अगर चाहते हैं करना इंस्टॉल, तो आप मेरे पास आइए क्लासिक कार रमेश नगर दिल्ली में, ये हम आपको लगा कर फिट करके और टेस्ट करा कर देंगे। ये आइटम, ये सर्विस हम कूरियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप बेहिचक होकर अपनी सेल्टोस को ले आइए, और अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्रूज कंट्रोल अपनी गाड़ी में जरूर लगाइए। धन्यवाद। और ये आई आज की हमारी दूसरी गाड़ी बिहार पटना से। जी हाँ, बिहार पटना 1300 किलोमीटर गाड़ी चल के आई है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्रूज कंट्रोल के लिए। दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर हमने लगाया क्रूज कंट्रोल, देख लो भाई, ये भी इसका एच टी के मॉडल है, और इसके अंदर हमने लगाया है क्रूज ऑटो कंट्रोल। जी हाँ, क्रूज ऑटो कंट्रोल। आप जैसे जानते हैं सेल्टोस में स्टीयरिंग कंट्रोल तो लग के आता है, लेकिन हमने लगाया है क्रूज ऑटो कंट्रोल, जो 100% है कामयाब, देख रहे हैं आप। और ये गियर नॉब से आप पहचान गए होंगे कि ये एच टी के है, और बहुत ही बढ़िया मॉडल हमने इसमें लगाया। ये पीस इसमें लग के आया था, और ये हमने ओरिजिनल लगा दिया, जो पूरी तरह से वर्क कर रहा है, पूरी तरह से प्रोग्रामिंग कर रहा है। और अब मैं कस्टमर के ऑनर से, जो गाड़ी के ऑनर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनसे आपका करवा रहा हूँ रूबरू। ये है बिहार से आए हमारे आज की सेल्टोस के ऑनर। जी हाँ, आज की सेल्टोस जिसमें हमने लगाया है क्रूज ऑटो कंट्रोल, और बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। सर कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार पटना से आए। पटना में कौन जिले से? पटना से आगे मेरा पता है मुंगेर। अच्छा, मुंगेर बिहार। तो यहाँ से अंदाजन कितने किलोमीटर होगा?
1350 किलोमीटर है। तो आप सच सच बताइए कि क्या करवाने आए हैं आप यहाँ पे? क्रूज कंट्रोल लगवाने आए हैं। सिर्फ क्रूज कंट्रोल लगाने आए हैं? और आपको हमने कितनी देर में फ्री कर दिया बता दिए? आधे घंटे 30 मिनट के अंदर हमने क्रूज कंट्रोल लगा दिया। और जो पार्ट लगाया है वो ओरिजिनल है? जी बिल्कुल ओरिजिनल है। और पूरी तरह से काम कर रहा है वो? कर रहा है। आपने देखा ये आज की हमारी दूसरी सेल्टॉस है मेरे भाई, जिसमें हमने क्रूज कंट्रोल लगा के एक्टिव करके चला के टेस्ट करके दिखाया है। तो सेल्टॉस में जो भी लगाना चाहते हैं, जी हाँ सेल्टॉस बिहार से आई है गाड़ी, 1300 किलोमीटर चल के सेल्टॉस से सिर्फ और सिर्फ क्रूज ऑटो कंट्रोल लगाने। तो भाई आ जाओ, जितने भी लोग हैं सेल्टॉस में लगाना चाहते हैं, खाली डमी नहीं लगा कर फिट कर चेक कर चला कर दूँगा 100% गारंटी के साथ। ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा किया का, जिया किया सेल्टॉस में क्रूज ऑटो कंट्रोल। मैं बोल रहा हूँ क्लासिक कार रमेश नगर दिल्ली से। गूगल में मेरी शॉप की लोकेशन है ओरिजिनल वॉक्सवैगन कार स्टूडियो। फ्राइडे रहता है मेरा वीकली ऑफ, कॉल करके आए बेहतर रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो आ जाइए सेल्टॉस किया की सेल्टॉस के अंदर क्रूज कंट्रोल के लिए।